गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज बस अभी फ्रेश होके आई हूँ और सबसे पहले आती हूँ चाय पीने के लिए। सबसे पहले मुझे वही ये होता है कि यार कब चाय पीऊँ कब चाय पीऊँ। मेरी जो मतलब क्या बोलते हैं नींद है वो गायब हो जाएगी चाय पीने से। बहुत लोगों की नींद नहाने से गायब हो जाती है बट मेरी चाय पीने से गायब होती है। तो सबसे पहले अभी चाय पीऊँगी। एक्चुअली नहाने से पहले मैं गर्म पानी पी के गई हूँ बट अभी नहाने के बाद मैं सोच रही चलो चाय पी लेती हूँ। पहले चाय बनाती हूँ अपने लिए भी और वो कारपेंटर भी आ गए हैं, जल्दी आ गए हैं तो उनके लिए भी चाय बनाती हूँ। एक्चुअली इन्होंने तो पी ली है, मैं जब बाथरूम में गई थी ना तभी इन्होंने चाय बना के पी ली। ये इनसे वेट नहीं होता है, ये मेरा वेट नहीं करते है कि चलो यार मैं आऊंगी चाय बनाऊंगी और उनको पिलाऊंगी, ये नहीं वेट करते हैं। तो कभी कभी तो मेरे लिए भी बना के रखते हैं। और हाँ एक कोई लेडीज थी उन्होंने कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड तो हमेशा मतलब आप बोलती हो कि जॉब पे गया है जॉब पे गया है और आपके हस्बैंड तो हमेशा घर पे ही दिखते हैं और आपके हस्बैंड हमेशा काम करते हुए दिखते हैं। यार आप बताओ मतलब ये तो ठीक है, मैं जब अकेली व्लॉगिंग करती हूँ तब उनको नहीं लेती हूँ, जब वो घर पे आते हैं तब मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा उनको भी ले लूँ या उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिखा दूँ आपको। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग वो भी बोलने लगोगे कि दी आप अकेली ही आती हो व्लॉग में, सिर्फ अकेली ही दिखाती हो, बच्चों को दिखाया करो अपने हस्बैंड को दिखाया करो, जीजू को हमें देखना है, ये भी कमेंट्स आते रहते हैं हमेशा। तो मैं किसका सुनूँ ये बताइए पहले, मतलब मैं आपका सुनूं या मैंने मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स है उनका सुनूं। एक्चुअली जिन्होंने कमेंट की थी उन्होंने ये तक बोला था कि आपके हस्बैंड घर पे ही रहते हैं, मतलब उनकी ड्यूटी नहीं है क्या यार, वो घर पे कैसे रहेंगे आप बताइए। वो मतलब ड्यूटी छोड़ के मेरे पीछे नहीं लगने वाले, वो उनमें से नहीं है। भले ही वो घर के काम करते हैं मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर वो इतनी हेल्प नहीं करते तो मैं दो दो चैनल पे काम नहीं कर पाती। मैं खुद से उनकी तारीफ करती हूँ, खुद से मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मुझे इतना हेल्प करते हैं, इसी वजह से मैं दो दो चैनल पे काम कर रही हूँ। और आपको नहीं पता है कि यूट्यूब पे काम करना कितना मुश्किल होता है, मतलब इजी नहीं होता यूट्यूब पे काम करना, वो भी वीडियोस बनाना उसके बाद खुद से ही एडिट करना उसके बाद खुद से ही टाइम पर अपलोड करना। और थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना तो मुझे टेंशन आ जाता है कि आप लोग बोलो कि दी अभी तक व्लॉग नहीं आया है, तो इसकी वजह से मुझे वो सारी चीजें टाइम पर आपको देनी पड़ती है, आपको टाइम पर व्लॉग देना पड़ता है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि नहीं यार आज थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज रेस्ट करती हूँ। इनको भी बोलती हूँ कभी कभी कि नहीं यार आज नहीं करती मैं, आज बिल्कुल थक गई हूँ मैं, आज करती ही नहीं, मुझे आज सोना है या मुझे आज नींद लेनी है। जब मैं सोने जाती हूँ ना मैं इनको बोलती हूँ, ये बोलते कि टेंशन मत लो सो जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेली व्लॉग करना ही है तुम्हें। जब मैं सोने जाती हूँ तब किसी ना किसी की कमेंट आ जाती है कि दी आज ब्लॉग नहीं आया, फिर उठ जाती हूँ फिर ब्लॉगिंग करने लग जाती हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ। और कभी कभी इस चैनल पे वीडियो नहीं जाता है, मतलब कभी कभी होता है कि इस चैनल पे वीडियो नहीं जाता है तो पक्का उस चैनल पे जाता है, तो ऐसा होता है। और कभी ज्यादा ही मुझे लगा थकावट हो गई है कि रात को कभी मैं ज्यादा जाग गई या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, उसी दिन ब्लॉग नहीं आता है, अदरवाइज मेरे ब्लॉग आते हैं आपको भी पता है। तो आप सपोर्ट करो यार, इतना कोई मेहनत कर रहा है, इतना कोई मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मतलब मैं अकेली मेहनत करती हूँ, अकेली ब्लॉगर ऐसी हूँ कि मेहनत करती हूँ, सारे ब्लॉगर मेहनत करते हैं, जो भी आगे गए हैं वो भी मेहनत करते हैं और जो नहीं गए हैं मतलब जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आगे जाने के लिए वो भी मेहनत करते हैं। बट आपको जो 15 मिनट का 10 मिनट का या 20 मिनट का ब्लॉग देखने के लिए मिलता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं इजी है बहुत, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है इनकी और बहुत ज्यादा इजी है सब कुछ करना, तो ऐसा नहीं होता है डियर। चलो आपसे बात करने लग जाओ ना, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है मेरा, मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ और उनको भी चाय देती हूँ जो कारपेंटर आया है उन्हें। और हाँ थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आज बन रहा है। एक्चुअली कल जो उन्होंने बेड बनाया ना थोड़ा सा
मतलब उसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी मीन्स उन्होंने जो पार्टीशन किया था ना, तो वो मुझे ऐसा लगा कि इधर से ज्यादा होना चाहिए था, उधर से मतलब कोई भी साइड से ज्यादा होना चाहिए था। जैसे हमारी पहले जो मैट्रेस वगैरह थी तो वो हम लोग उसमें रख सकते थे, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कि अभी तोड़ फोड़ हो गई है थोड़ी सी, तो अभी टाइम उसमें ही चला जाएगा ज्यादा, तो पता नहीं अभी क्या होगा, मतलब कितना हुआ होगा ऊपर, तो इसी वजह से वो आज जल्दी ही आ गए थे। इसी वजह से अभी देर में मैं ऊपर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ है। तो उससे पहले मैं चाय बना लूँ, उनके लिए भी लेके जाती हूँ और अपने लिए भी। मैंने सोचा चलो मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, नेल पॉलिश चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये अभी यहाँ से निकल चुकी है, तो मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। और हाँ, बहुत से लोगों ने मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन मांगा है मुझसे, मतलब कौन सी नेल पॉलिश मेरी फेवरेट है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी नेल पॉलिश ली हुई है बट सारी मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि क्या है कि कुछ जल्दी से निकल जाती है, कुछ अच्छी है बट निकल जल्दी से जाती है, बट कुछ किसी किसी का कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, बट क्या है कि थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए, शाइनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। कलर अच्छा होने से कोई फायदा नहीं, कलर अच्छा किस लिए चाहिए पता है क्या, जैसे कि कोई शादी वगैरह में जा रहे हो हम लोग और बस उसी पे मैचिंग हमें लगाना है, थोड़ी देर के लिए लगाना है और बस निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चीजों के लिए हमें लॉन्ग लास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। बट जब हमें रेगुलर यूज के लिए कोई नेल पॉलिश चाहिए होती है और वो जल्दी से निकल जाए, तो हमें इतना टाइम नहीं रहता यार कि हम लोग बार 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 रीअप्लाई करें नेल पॉलिश, तो ऐसी हमें नेल पॉलिश चाहिए कि जो बहुत दिनों तक टिक जाए और आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो वैसे ही नेल पॉलिश इनमें से है, तो ये जो नेल पॉलिश है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी फेवरेट है, सारी मेरी फेवरेट है, तो इसी वजह से सारी की सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा फाइनली चलो आपके साथ मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन शेयर कर देती हूँ। इससे पहले भी मैंने अपना नेल पॉलिश कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है बट मैंने उसमें सारी नेल पॉलिशेस दिखाई थी जो भी मेरे पास नेल पॉलिशेस है, बट ये जो नेल पॉलिश है मैंने सिलेक्टेड निकाली है साइड में जो मेरी फेवरेट है, और वही आज आपके साथ शेयर करूंगी और सब कुछ शेयर करूंगी। नेल पॉलिश रिमूवर भी शेयर करने वाली हूँ, तो मतलब कौन सा रिमूवर मुझे पसंद है ये, तो ये सारी नेल पॉलिश शेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने कहाँ से परचेस की है सारी नेल पॉलिश वो भी बता देती हूँ, मैंने ली है ये सारी पर्पल से, और अभी पर्पल पे सेल चल रहा है ना, तो इसी वजह से आप सेल का फायदा उठा सकते हो, तो उस सेल का अगर आप फायदा उठाओगे तो आपको ये नेल पॉलिश बहुत कम रेट में मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर अभी 20 अप्रैल तक सेल चल रहा है, तो वहां पर 10,000 लकी विनर्स कैशबैक भी जीत सकते हैं 5 लाख तक, और 1,000 रुपीज आपके पर्पल वॉलेट में पर यूजर्स क्रेडिट भी मिल सकता है, तो इसी वजह से उस सेल का फायदा उठाइए और जल्दी से परचेस करिए जो भी आपको परचेस करना है और उस सेल का फायदा उठाइए। तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारी चीजें बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगी, और उसमें आप मेरा कूपन कोड यूज करना, तो मेरा जो कूपन कोड है वो है GET100, वो कूपन कोड यूज करना, उससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। वैसे 50% ऑफ मतलब 50% तक तो ऑफ आपको मिल ही जाएगा, और उसपे एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा आपको मेरे कूपन कोड से, तो मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपका कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप मेरे लिंक से जाइए और कूपन कोड डालिए, फिर जाके कूपन कोड अप्लाई होगा, तो डायरेक्ट जाके आपको कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। तो बस सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मैं अभी नेल पॉलिश चेंज करने वाली हूँ और आपको दिखा देती हूँ पहले कौन सी नेल पॉलिशेस है मेरे पास, और अभी मैं जो लगाने वाली हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये पीछे से जो आवाज आ रहा है थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि काम चल रहा है ना तो आवाज आएगा ही यार, साइड में भी काम चल रहा है और मेरे घर में भी काम चल रहा है, तो उसका तो आवाज आएगा ही। और हाँ, आज है मेकअप स्टेशन सेल, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो, उसमें आपको 50% तक ऑफ मिलेगा, और उसमें आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ सारे नेल पॉलिश मेरे जो फेवरेट है वो इसमें मैंने निकाल के रखे हैं, और जो मैं आज लगाने वाली हूँ वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये सारे नेल पॉलिश मेरे फेवरेट है, और कौन कौन सी है वो दिखा देती हूँ आपको। ये है सबसे पहले फेसेस कैनेडा की, तो ये कौन सा शेड है, ये है 39 पाउडर ब्लू, और उसके बाद ये वाला शेड आपको दिखा दूँ, ये है 233, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, शाइन बहुत ज़्यादा करती है। उसके बाद ये भी फेसेस कैनेडा की है येलो कलर की, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे येलो कलर मेरा फेवरेट है इसी वजह से। उसके बाद ये भी फेसेस कैनेडा की है, उसके बाद ये इसका शेड नंबर आप देख लो 38 है, और उसके बाद ये सारी कलर बार की है, ये है पिस्ता ग्रीन कलर, कलर बार का इसका शेड नंबर यहाँ पर है, और उसके बाद ये है कलर बार का चॉकलेट कलर, थोड़ा सा ये चॉकलेट फ्लो है इसका नाम, और उसके बाद ये है कलर बार का ही,
और एक कलर बार की है, वो दिख नहीं रही है यार, मैंने बहुत ढूंढी बट दिख ही नहीं रही है कहाँ पर रख दी मैंने। तो ये है इसका कलर, उसके बाद ये है दूसरी कलर बार की, मतलब चौथी कलर बार की, इसका शेड ये है। और बाकी ये सारी जो नेल पॉलिशेज है ये मतलब शाइनी है, बहुत बहुत ज़्यादा शाइन करती है और लॉन्ग लास्टिंग है। और ये भी नेल पॉलिश जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है बट शाइनी नहीं है, ये मैट है। अगर आप मैट लवर हो, मतलब मैट नेल पॉलिश आपको पसंद है ना, तो ये वाले ले सकते हो आप। ये सारी NY Bay की है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। वो NY Bay की 9 नेल पॉलिश है मेरे पास और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने मैट नेल पॉलिश अगर लगानी हो ना तो मैं ये सारी नेल पॉलिशेस में से कोई भी कलर लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सारे कलर्स मैंने परचेस कर लिए थे और मतलब काफ़ी दिन पहले परचेस किए थे बट थोड़े से पुराने भी हो गए हैं, देखो आप, बट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो सारे नेल पॉलिश का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना और अभी आप फ़ायदा उठा सकते हो सेल का इन नेल पॉलिशेस को परचेस करके। अगर आप भी नेल पॉलिश लवर हो मेरे जैसे तो आपको पक्का पसंद आने वाली है ये सारी नेल पॉलिशेस। इसमें से कोई भी अगर आपको शेड लेना है ना तो आप परचेस कर सकते हो। और अब भी मैं चेंज करने वाली हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली नेल पॉलिश लगाऊँ जो कलर बार की है, तो ये मैं साइड में निकाल के रखती हूँ। और हाँ, मैं कलर बार का ही नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करती हूँ, ये वाला नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करती हूँ कलर बार का, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद मैं ये वाली ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ये कारा की है, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज की थी तो इसका लिंक मैं दे नहीं पाऊंगी आपके लिए, बट ये भी बहुत अच्छी है, कारा की वाइप है ये, नेल पॉलिश वाइप मतलब रिमूवर वाइप। ये मैं ट्रैवलिंग जब करती हूँ ना, कहीं मायके वगैरह जाती हूँ या ससुराल जाती हूँ तब लेके जाती हूँ इसे। तो ससुराल तो बहुत कम लेके जाती हूँ क्योंकि ससुराल में इतना काम नहीं पड़ता है नेल पॉलिश वगैरह चेंज करने का, कहीं जाना नहीं होता है ना तो इसी वजह से। तो लेकिन मायके वगैरह कहीं जाना होता है, कहीं घूमने हम लोग जाते हैं तो फिर लेके जाती हूँ मैं, और कहीं प्रोग्राम होता है, शादी होती है तो उस टाइम लेके जाती हूँ, तो ये ऐसे ही पड़ी रहती है वैसे। और उसके बाद वैसे तो मैं यही यूज़ करती हूँ घर के लिए, तो अभी मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, कॉटन भी इसी में रखती हूँ मैं, तो अभी ये यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, अभी ये जल्दी से निकलेगी नहीं, इतना अच्छा कलर बार का ये नेल पॉलिश रिमूवर है। बट ये नेल पॉलिश जो है ना, मैंने जो लगाई हुई है वो कौन सी है वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो है ये वाली जो मैंने अप्लाई की है अभी फेसेस की, और ये भी कलर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी ट्रेंड में भी चल रहा है ना ये कलर, तो इसी वजह से आप ले सकते हो वैसे। और अभी आप देख सकते हो इसको, टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि इतना अच्छा ये नेल पॉलिश रिमूवर है बट ये नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, तो इसी वजह से जल्दी नहीं निकलता है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा घिसना पड़ा मुझे, ज़रूरी है घिसना इसके लिए। और अभी देखो, जैसे इसे घिसूंगी ना तो नहीं निकलेगा, बट यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक भी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करके रखना और फिर आपको निकालना है तो जल्दी से निकल जाएगी आपकी नेल पॉलिश। इससे थोड़ा सा ऐसे रख देना और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके फिर निकालना, देखो निकल गई, जल्दी से निकल जाती है वैसे, बट ये नेल पॉलिश थोड़ी सी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये सारी नेल पॉलिशेस, लॉन्ग लास्टिंग है इसीलिए और उसमें शाइन भी बहुत ज़्यादा करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जल्दी से निकल गए आप लोगों से बातें करते करते। और ये वैसे नेल पॉलिश रिमूवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तो हमेशा के लिए यही यूज़ करती हूँ। NY Bay का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहले मैं वो यूज़ करती थी, NY Bay का कुछ दिन यूज़ किया, काफ़ी दिन यूज़ किया, बट जब से मैं ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना मैंने, या अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो आप NY Bay का ले सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा आप बजट हो आपका महंगा ले सकते हो तो आप ये वाला पक्का ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। और आप अभी 50% तक ऑफ मिल जाएगा आपको, ये देखो जल्दी से निकल गया ना, तो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाली नेल पॉलिश। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये जो मैट वाली नेल पॉलिशेस है NY Bay की, इसके नंबर दिखा देती हूँ आपको, नंबर और नेम। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ब्राउन शेड है, ये 4 नंबर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, मतलब आपको बहुत पसंद आएगा। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, तो पिस्ता ग्रीन कलर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये 6 नंबर है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, पिस्ता ग्रीन है ये। और उसके बाद ये है ब्लू कलर, मतलब जो ये होता है ना टील ब्लू है ये, तो ये 20 नंबर है, 20 नंबर की टील ब्लू कलर की। उसके बाद ये मरून कलर में है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये भी कलर, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये है 5 नंबर, मैट है तो आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन है ना, तो आप ये यूज कर सकते हो, ये भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। 9 नंबर ये क्या बोलते हैं, डार्क ब्राउन कलर है। उसके बाद ये भी आपको पसंद आने वाला है, पिंक कलर, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये 10 नंबर का है। उसके बाद ये थोड़ा सा अलग सा पिंक है, मतलब ये रानी कलर है और ये थोड़ा सा अलग पिंक है, बेबी पिंक में थोड़ा सा, तो बेबी पिंक भी नहीं बोल सकते, पिंक, तो ये 16 नंबर है। उसके बाद ये रेड कलर भी आपको पसंद आएगा, ये है 12 नंबर का। उसके बाद ये ब्लू मेरा भी फेवरेट है, तो ये ब्लू भी आपको पसंद आने वाला है, तो ये 11 नंबर है इसका। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले मैट नेल पॉलिशेस, आपको भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाला है ये। तो ये है सारे, अभी मैं अप्लाई कर लेती हूँ ये कलर बार की, ये वाली, तो चलिए अप्लाई करते हैं अब। से अप्लाई करती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा अच्छा है, ये न्यू है ना मेरा, इसी वजह से मुझे इसका शेड नहीं पता था। ओ बहुत सुंदर शेड है यार, सच में ऐसा शेड मुझे चाहिए था। चलो अभी मुझे मिल गया पक्का, अभी मेरे नेल पॉलिश कलेक्शन, जल्दी ही मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन बढ़ने वाला है ऐसे ब्रांडेड वाला, क्योंकि मुझे ये दो ब्रांड की नेल पॉलिश ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से मैं यही दो ब्रांड की ज़्यादातर ले रही हूँ नेल पॉलिशेस, तो अभी आपके साथ शेयर करूँगी, अलग अलग ट्राई करूँगी, बट ये नेल पॉलिश ज़्यादा मुझे पसंद है दोनों भी ब्रांड की। ट्राई तो करना ही है, क्योंकि मुझे जब तक अपन ट्राई नहीं करते हैं ना, मतलब अलग अलग ब्रांड की, तब तक हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि मुझे ये ब्रांड की जब तक मैंने यूज़ नहीं की थी फेसेस की और ये कलर बार की, तब तक मुझे इसके बारे में कहाँ पता था, जब मैंने यूज़ की उसके बाद ही मुझे पता चला, और मैं आपको अभी बता पा रही हूँ इसके लिए, और आपको बताने के लिए तो मुझे अलग अलग ट्राई करना ही पड़ेगा। बट ये वाला नेल पॉलिश कलेक्शन मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जल्दी ही, ज़्यादा बढ़ने के बाद। इसके कलर बार का एक और शेड था मेरे पास, वो दिख ही नहीं रहा यार, देखो बहुत ही सुंदर शेड है यार, ये मुझे चाहिए था पक्का, मेरे पास आ गया अभी। देखो बहुत सुंदर लग रहा है ना, देखिए, ओह काफी प्यारा लग रहा है। सेकंड कोड आने वाला है वैसे, सेकेंड कोड आने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो अप्लाई करना हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार शेड, इस वाले मतलब हाथों के नाखून बढ़ते नहीं है मेरे ज़्यादा, और इस वाले के बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, मतलब शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे सारे शेड अच्छे हैं बट ये न्यू है ना, तो इसी वजह से एक्साइटेड थी मैं इसे अप्लाई करने के लिए, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला शेड जो है ना वो ये है, कौन सा है ये वाला, तो आप परचेस कर सकते हो अगर आपको लेना है तो, अच्छा शेड है, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ना मुझे एक ड्रायर लेनी है, ड्रायर मशीन, मतलब नेल पॉलिश ड्रायर है जो होता है ना वो लेना है, क्योंकि जल्दी सूखता नहीं है यार, वेट करना पड़ता है बहुत देर तक ऐसे, अभी ऐसे ही थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। ड्रायर मशीन होती तो जल्दी से सूख जाता, मुझे ड्रायर मशीन लेनी है यार जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे नेल पॉलिश का इतना शौक है और मेरे पास ड्रायर मशीन ही नहीं है, तो इस वजह से ऐसे करके वेट करना पड़ता है सूखने का, फिर जाके मुझे बाकी के काम करने पड़ते हैं, तो अभी काम भी पेंडिंग है, काम जल्दी से करूंगी, तो जल्दी से मुझे ये सूखने का वेट करना है और काम करने में लग जाती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा गैस गंदा हो गया था, गैस मीन्स ये जो सेकड़े है ना वैसे पोछते हैं, बट अंदर से जो कुछ गिर जाता है, दूध दूध या चाय गिर जाता है ना, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, एक ही गंदा हो गया था, तो कल की चाय शायद गिर गई थी या कुछ गिरा था मुझे नहीं पता, बट मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। और उसमें मैंने ना यूज़ किया है वो क्या बोलते हैं मिस्टर मसल, वो यूज़ किया है, अभी वो डाल दिया है, उसके बाद मैंने ये जो तार का जो ब्रश है ना उससे घिस रही हूँ।
इससे बहुत जल्दी निकल जाता है, और आप देख सकते हो अभी मैं वाइप करूँगी और आप देख सकते हो कितने जल्दी निकल गया ना, तो ऐसे ही जल्दी से निकल जाता है। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहने देती हूँ, जैसे कोई दाग वग गिर जाता है ना तो जल्दी से निकाल लेती हूँ, उससे जल्दी से मतलब ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है। अगर हम लोग बार बार क्लीन करते रहते ना सारी चीज़ों को, तो गंदा नहीं दिखता है, तो इसीलिए ये अभी हो गया है क्लीन। अभी चाय बना लेती हूँ क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगी है, चाय बना लेती हूँ और उन्हें भी दे देती हूँ कारपेंटर भैया को। तो जल्दी से चाय बनाती हूँ और ऊपर लेके जाती हूँ। आपको कैसे आएगी? आपके नाक में क्यों बरोबर झाला आता? याचं काम वाढून गेलं ना तुमचं? शिवम भैया सगळेच जम बसले। म्हणजे हे संध्याकाळ का लावला म्हणजे संध्याकाळ लावत होता नाही? हा 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 म्हणून जमून गेलं। तुपटट झाला असं दाखव। बरोबर आहे। भाई इसमें और भी ज्यादा सामान आ सकता है। ये मेरा सामान इधर की साइड से और इधर मैट्रेस। ये तो ऐसा कर सकते भाई, ऊपर भी सो सकते नीचे भी सो सकते। अंदर माए को सुला देना। नहीं 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 मेरे बेड पे कौन सोएगा? मेरे बेड पे कौन सोएगा? पिक आई गो मला पिक फिक्का चला का चहा? नहीं एकदम बढ़िया। क्या बोलते हैं वहीं के जो तो ड्रेसिंग है ना? हाँ। उसके ऊपर आपका लाइट भी लगा दिया। ओके ओके मला काय झालं ठसका लागला असं बोल बघ बस एवढं हे याच्याने वेळ झाला ना पण तरी वेळ कामात म्हणजे काल लक्षात आलं म्हणून ठीक आहे। म्हणजे काल आलं ते लक्षात म्हणून ते सांगितलं तरी गेलं तुम्हाला, नाही तर ते पूर्ण बनल्यानंतर आणखी तपलीक झाली असती। काल रात्रीला केला ना त्यांनी लाईट, आताही केला का? काल रात्रीला लाईट केला ना बा त्यांनी, तो ब्ल्यू लाईट ना त्यांनीच केला। ते पण आहे आणि तुम्ही पण आहे। यानंतर काय करायचं करणार आहे मी? कार्पेंटरचं जे प्लायवूडचं काम आणि इलेक्ट्रिकचं काम दोन्ही टेके घेणार आहे। घ्यायला पुरते चांगलंय ना, मग दोन काम जास्त म्हणजे दोन काम मिळून जातात तुम्हाला। हे जॉब सोबत पार्ट टाइम जॉब करू शकता। हाँ यहाँ पे दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है आपको, आज क्या क्या हुआ है। एक मिनट, ये हाँ ये वाला लाइट लग गया है आज, और उसके बाद कल रात को इन्होंने वो वाला लाइट लगा दिया था। यहाँ पे है जैसे कि सारे लाइट बंद हो जाते हैं ना रूम के, हाँ ये वाला लाइट लग गया है। तो जैसे कि सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे ना रूम के, तो ये वाला लाइट मतलब जलेगा। ये ब्लू लगा दिया है यार, मुझे थोड़ा सा ब्लू का, इनको ब्लू बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे नहीं इतना पसंद आया, बट ठीक है अभी बच्चों को ब्लू अच्छा लगा है इस वजह से। अच्छा है शुभम सांग बोल बोल। हाँ दे ना दे। शुभम तुला ब्लू आवडला का? ब्लू कलरचा लाईट मला एकटीलाच नाही आवडला। ब्लू कलरचा मला एकटीलाच नाही आवडला। बरोबर आहे, रात्रीला खूप जास्त पडते ब्लू, ब्लू दिसते पूर्ण। माही तो हमेशा खुशी हो रही है। ये है जवार के पापड़, ये एक्चुअली फ्राई किए हैं अभी, और ये मम्मी ने भेजे थे,
पिछली बार भाई आया था तो भाई के साथ भेजे थे, काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी भाई के साथ जो मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे कि पापड़ ही भेजे थे ज़्यादा से ज़्यादा, और चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैं घर पे नहीं बनाती हूँ वो चीज़ें मम्मी ने भेज दी थी। और ये पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, होगा तो मैं मम्मी के यहाँ पर जब जाऊँगी ना तो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसी वजह से अभी ये फ्राई किए हैं, जैसे भून के भी अच्छे लगते हैं ये, बट फ्राई किए हुए तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फ्राई किए हैं अभी ये हम लोग खाएंगे। और हाँ, आज खाने में क्या क्या बना है वो दिखा देती हूँ आपको। तो आज है रोटी इसमें है, और उसके बाद यहाँ पर आम बनना है, उसके बाद यहाँ पर है दाल पालक, और ये लूंजी है जो दो चार दिन पहले की है, बहुत सारी बनाई थी, और यहाँ पे है ये चावल। तो बस चलो हम लोग खा लेते हैं अभी, और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। क्या चल रहा है लेकिन क्या बस यही चलता रहता है आपका, टीवी देखना और पॉपकॉर्न खाना, एंजॉय करना, और एंजॉय करना बस, वही काम है आपको, वही काम है आपको, वही काम है आपको। नहीं नहीं तो दिनार नहीं के, दिनार नहीं तो देते हैं। अरे अभी वो आप आपका देखो, नहीं नहीं तो माही सर का नहीं है तो त्याच्या गोष्टी देत नाही का कोणाला, नहीं देगा वो, बस एक। अरे बाप रे, खूप मोठं मन केलं अद्विकनी, अरे बाप रे, बहुत बड़ा दिले अद्विका, नाही नाही देत नाही की तो तुझ्या मुठीत किती माझे पाय बस एवढंच, हो कंजूस आहे तो खूप, अरे बाप रे नाही अरे बाबा सोना नाही खा 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 बाळा खा खा बाळा। अद्विका कितवा ड्रेस आहे तुझा दिवसात ना, कितने टाइम ड्रेस बदलते हो आप, हां तीन पाँच, हाँ दिन में पांच बार तो भी। चलिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। नेल पॉलिश कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, दोनों भी हाँ हाथों की लगा लिए, मतलब नेल्स की दोनों भी हाथों के अच्छे लग रही है। तो चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा आपको, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसको दबाना मत भूलिएगा, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जैसे मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँ आपको वहां पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सबसे पहले देख पाओगे। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया, मतलब जो नेल पॉलिशेस आपको दिखाया वो, और इंस्टा पे एक बार जरूर चेक कर लेना आपको पक्का पसंद आने वाला है, और वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।